हेलो एवरीवन माय सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट पे जहां आपको प्रोवाइड होती है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री तो अपन क्या देख रहे थे सर अपन देख रहे थे क्लास इलेवन की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर टू जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और कहां तक कदम कर चुके थे सर जी बहुत कुछ हो गया था हमने देख ली थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा इलेक्ट्रॉन मिल चुका था और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी हमारे भाई ने जिसका नाम है थॉमसन सर जे जे थॉमसन अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई थी अब उसके बाद क्या और अगर आपको याद हो तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में अपन ने क्या क्या चीजें यूज करी थी शायद कैथोड रेज कैथोड रेज को फिर अपन ने पार्टिकल बोला था उसमें फिर कई सारे एक्सपेरिमेंट देखे थे पेडल व्हील घूम गया था झुक 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 देखा था कि नहीं देखा था उसके बाद आपने देखा था शेडो बन गई थी फ्लोरेसेंस बताया था फॉस्फोरेसेंस बताया था मैंने बताया था कि नहीं बताया था तो कई सारी बातें आपको बताई थी बरगद का पेड़ याद है क्या नहीं है ठीक है तो आज देखने वाले हैं थॉमसन एक्सपेरिमेंट और मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ये दो बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्या थे एक्सपेरिमेंट थे जो इलेक्ट्रॉन के लिए आए थे किसके लिए आए थे सर इलेक्ट्रॉन के लिए चलिए तो देखने वाले हैं क्या करने आए थे क्या देखने वाले थे वो सब अब क्या हुआ सर थॉमसन भाई ने Osionfish. आपको याद है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था कैथोड रे में क्या हुआ था उनने कुछ मेटल की प्लेट ली थी दो याद है एक को को कैथोड माना माना था था एक एक एनोड वो ही मेटल की थी किसकी थी एक ही मेटल की थी अब इनने बोला सर उस मेटल में तो इलेक्ट्रॉन मिल गए थे हमें क्या सारे मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या तो इनने फिर ये करा वही कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को बार बार किया क्या किया सर बार बार किया एक बार दो बार तीन बार चार बार 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 करते चले गए और उस बार बार में वो इलेक्ट्रोड्स को बदलते चले गए मतलब उस मेटल प्लेट को बदलते चले गए वो बस ये देख रहे थे सर कि सब इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं कि नहीं देखो जे जे थॉम्सन यूज डिफरेंट डिस्चार्ज ट्यूब जो अपनी थी डिस्चार्ज ट्यूब उसी के अंदर फिटेड विथ इलेक्ट्रोड ऑफ डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट मेटल और वो ये चेक कर रहे थे सब जगह से सर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉन की रेस मिल रही है कि नहीं मिल रही और यह पता चला सबके अंदर सर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे और बढ़िया तरीके से सबके अंदर इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन की रेस मिल रही थी कोई दिक्कत की बात नहीं हुई हमने कहा ठीक है सर फिर क्या उसके बाद क्या सर उसके बाद भी तो कुछ हुआ होगा हमने कहा ठीक है भाई को देख ही रहे हो आप लोग गुस्से में थोड़ा देख ही रहे हैं लेकिन ठीक है तो इनने अब क्या करा सर उसकी और कहानी आगे जाएगी आपने इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया लेकिन आप इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे तो क्या इनने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला <?atures2> क्या इनने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला <laughs> नहीं सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं निकाला <t치� <Up> <yazi> <-ución> क्या इनने इलेक्ट्रॉन का मास निकाला हा सर इन्होंने इलेक्ट्रॉन का मास निकाला था कैसे निकाला था अब भी बताऊंगा लेकिन थोड़ा समय के बाद जब ये लेक्चर पूरा खत्म होगा ना उसके आखिरी में बताऊंगा इनने इलेक्ट्रॉन का मास कैसे निकाला था ना तो ये चार्ज निकाल पाए सिर्फ ये मास निकाल पाए थे और वो भी लास्ट में तो सर इन अभी क्या करा इनको आप पहले पढ़ा रहे हो मतलब कुछ तो किया होगा इनने निकाला था सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो क्या निकाला था सर चार्ज बाय मास रेशियो बात समझ पा रहे क्या निकाला था चार्ज बाय मास रेशियो मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास ये रेशियो इनने फाइंड आउट किया था किन्ने थॉमसन सन ने किसका इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और डिवाइडेड बाय उसी का मास ये रेशियो फाइंड आउट किया था किसने थॉमसन सन ने ठीक है फिर सर ये मान ली आपकी बात सर रेशियो बिना चार्ज और बिना मास के कैसे निकल गया मैंने कहा निकल गया था इनका फिर चार्ज को फाइंड आउट किया था मिलकन साम में मिलिकन साम ने फेमस एक्सपेरिमेंट किया था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट और एक बात समझो भाई चार्ज निकाल देंगे इनने चार्ज मास रेशियो निकाल दिया तो फिर सीधे कुछ नहीं हुआ इस चार्ज को यहां पर रखा गया और मास फाइंड आउट किया बता रहा हूं कि इस लेक्चर में मैं क्या क्या चीजें कवर करने वाला हूं। और कैसे कैसे कवर करने वाला ठीक है तो चालू करते हैं इस लेक्चर को बढ़िया तरीके से और देखने वाले क्या क्या इसके अंदर अपन को मिलेगा तो सर इनने सबसे पहले जो काम किया वो फाइंड आउट किया था चार्ज बाय मास रेशियो ठीक है चार्ज बाय मास रेशियो हमने कहा ठीक है हमने कहा कैसे किया था सर ये तो बता दूं तो बहुत इजी सी चीज थी इनने कुछ नहीं किया देखो आ, इनने ऐसे दो मैग्नेटिक फील्ड लगाई क्या लगाई सर दो मैग्नेटिक फील्ड ये ये मैग्नेटिक फील्ड है इसको अपन एम लिख देते इसको भी एम लिख देते कोई साउथ पोल होगा कोई नॉर्थ पोल होगा उससे भी कोई मतलब की बात नहीं है ठीक है फिर क्या किया इनने? इनने यहीं पर ही दो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाई ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है समझना इसको बहुत अच्छे से समझना ठीक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर ई लिख देते हैं और इस पर भी ई लिख देते हैं कोई एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा कोई एक नेगेटिव टर्मिनल होगा कोई दिक्कत की बात नहीं और यहां से हमारी वही कैथोड रेज वाली उस रेस को हमने ऐसा पास किया ठीक है क्या किया, हमने पास किया। तो जैसे ये वाली जो थी, तो सीधे चली गई मान लो ठीक है फिर जो दूसरी रेज आई कौन सी रेज आई दूसरी देखो रेड से ले लेते एक और रेज आई यहां तक आके फिर वो डेविएट हो गई अपने पास से फिर एक और रेज आई आ, और वो भी अपने पास से डिविएट हो गई ठीक है और इन सारी रेस को मैंने एक स्क्रीन पे कलेक्ट किया और वो स्क्रीन की बनी थी जिसके बारे में आप लोग जानते हो कौन सी स्क्रीन होगी वो वही वाली सर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन कौन सी जिंक सल्फाइड क्योंकि आप जानते हो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है तो वहां पर एक फिनोमिना होगा जिसका नाम है फ्लोरेसेंस क्या होगा सर फ्लोरेसेंस तो अब बात को समझो सर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई और यहां से हमारी जो कौन सी थी कैथोड रेस जो इलेक्ट्रॉन की रेस थी मैंने उसको पास किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में उनने क्या करा कुछ जो कैथोड रेस थी उनर्जन दिखाया डाइवर्ट हो गई डेविएट हो गई अपने पास से थ्रू एन एंगल मान लो ये कोई एंगल थीटा हो गया और ये वाला भी एंगल कोई थीटा हो गया तो ये डेविएशन एंगल्स दिखाने लगे अपने पास से डेविएट हो गई क्या हो गई सर डेविएट हो गई हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है अब सर डेविएट क्यों हो गई क्योंकि सर जो भी यहां पर आप रेस यूज कर रहे थे वो अलग अलग इलेक्ट्रोड से आई थी वो अलग अलग मेटल प्लेट की थी जैसे मान लीजिए ये जो सीधी वाली है ये किसी मेटल से निकली होगी ये जो रेड वाली है जो डेविएट हो गई ये किसी और मेटल की थी और ये जो नीचे वाली है ये किसी और मेटल की थी तो अलग अलग मेटल की जो इलेक्ट्रोड थी उनसे जो रेडिएशन निकल रहे थे कैथोड रेज वाले रेडिएशन वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जाके क्या हो गए डेविएट कर रहे थे क्या कर रहे थे डेविएट कर रहे थे ठीक है हमने कहा अच्छी बात है सर लेकिन ये रेस तो आपको दिख नहीं रही होंगी तो आपने कैसे मान लिया डेविएट कर रहे थे तो मैंने कहा मैंने तभी तो वहां पर लास्ट में क्या लगाया सर जेड एन एस ZnS ZnS क्या एक कंपाउंड होता है जिसका काम होता है फ्लोरेसेंस दिखाने का तो यहां पर जैसे ये हुई, तो यहां पर हुआ हुआ। यहां पर और फिर देगा और अपने आप को ग्लो कर देगा तो यहां ग्लो स्पॉट आया यहां पर भी इंटेंसिटी ऑफ ग्लो स्पॉट आया और फिर हमने यहां से एंगल फाइंड आउट कर लिया क्या फाइंड आउट कर लिया हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया ठीक है अब यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट बात सर जो इंटेंसिटी ऑफ ये हमने निकाला क्या जो भी ब्राइट स्पॉट और ये जो एंगल ऑफ डेविएशन था इसी के साथ कई और पैरामीटर्स चेक करें किसने थॉमसन सर ने और तब उसका नतीजा ये निकला तब जाके उन्हें कैलकुलेट किया क्या सर चार्ज बाय मास रेशियो क्या कैलकुलेट किया सर चार्ज बाय मास रेशियो किसका इलेक्ट्रॉन का और वो वैल्यू मिली उनको वन पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन की पावर इलेवन कूलम पर के जी कितनी मिली सर वन पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन की पावर इलेवन कूलम पर के जी सर कूलम क्यों आया चार्ज की यूनिट के जी क्यों आया मास की यूनिट बात समझ पा रहे हैं पूरा एक्सपेरिमेंट को फिर से देखिएगा फटाफट बता रहा हूं सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई साथ ही साथ क्या लगाया मैग्नेटिक फील्ड कौन सी रेस को भेजा कैथोड रेस जिनमें अपने इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स होते हैं

इस ग्लो वाले ये जो ग्लो वाला पार्ट था इसकी इंटेंसिटी एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ डाइवर्जन साथ ही साथ कई और पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के बाद थॉमसन सर एक नतीजे पे पहुंचे कि चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.75 पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन की पावर इलेवन कूलम पर के जी ये बात क्लियर है और थॉमसन साहब ने फाइनली निकाल दिया चार्ज बाय मास रेशियो जो कि कितना आया 1.75 की पावर 11 कूलम पर डाउन मेरे हिसाब से सबने तीन उंगली फेल ली होगी और फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा चलिए तो रिमूव करू इसको कोई दिक्कत की बात तो नहीं है समझ में आया इसको एक और दिखाता हूं जो प्रैक्टिकली डायग्राम है ना बढ़िया तरीके से वो दिखाता हूं लेकिन सर यही डायग्राम बनाइएगा वैसे तो ये डायग्राम पूछता नहीं है बस आपसे पूछता है चार्ज बाय मास क्या होता है वो बता और ना इलेवन ना ट्वेल्थ और ना आपके कहां पर कहां पर कहां पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना नीट में ना जेई में लेकिन सर यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मैं हर चीज बताऊंगा क्या आएगी क्या नहीं आएगी इसलिए कमर कस के बैठिएगा जान लगा दीजिएगा पूरी बस चैप्टर समझ में आना चाहिए ठीक है और कोई भी दिक्कत आए तुरंत लिख देना सर कि सर नहीं आया अपन देख लेंगे ठीक है बराबर तरीके से चलो आ जाओ अब देखो जरा ये देखो यही यही वो था जो मैंने अभी पीछे बनाया था बस अब क्या है सर ये जो थ्री डी स्ट्रक्चर है थोड़े से उस तरीके से आए देखो ये वाला दिख रहा है ये पीछे वाला पार्ट ये पीछे वाला याद करो ये अपना जो मैंने कल के लेक्चर्स में आपको बताया था ये वो है कौन सा वाला कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो किया था ना अपन ने जिससे अपने बताया था इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी ये वो है देखो कैथोड मिल गया वाले एक्सपेरिमेंट में किसके एक्सपेरिमेंट में सर थॉमसन के में कौन सा एक्सपेरिमेंट चार्ज तो आपकी देखिए ये कौन सी फील्ड लगाई है देखिए साउथ पोल नॉर्थ पोल ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड ऊपर देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे नेगेटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर देखिए ऊपर नीचे क्या लग गई है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड साइड में क्या लग गई है सर नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड आ गई अब देखिए जैसे ये कैथोड रही है इसने डेविएशन दिखाना चालू किया ये कोई एंगल बनाऊगा ये कोई एंगल बनाऊंगा फिर देखिए ये पीछे एक स्क्रीन है कौन सी स्क्रीन है देखिए लिखा है फ्लोरेसेंट स्क्रीन और कौन सा मटेरियल यहां पर यूज किया होगा जेडेन एस जिसके चलते यहां पर देखिए एक ब्राइट स्पॉट ए मिलाए एक ब्राइट स्पॉट बी मिलाए और एक ब्राइट स्पॉट क्या मिलाए सी मिलाए तो ये ब्राइट स्पॉट की इंटेंसिटी और ये एंगल्स के पैरामीटर्स को चलते हुए इन पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हुए थॉमसन सर ने क्या निकाल दिया चार्ज टू मास रेशियो जिसकी वैल्यू मैंने आपको अभी बताई थी क्या बताई थी वन पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन की पावर इलेवन कूलम पर जी यह वैल्यू आपको याद रखनी है इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू है किसकी है सर इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू है ठीक है अब देखो ई डिटरमाइंस द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द मास पार्टिकल मेजरिंग द डिफ्लेक्शन अंडर द साइमल्टेनियसली जो डिफ्लेक्शन हुए उनका साइमल्टेनियसली इंफ्लुएंस ऑफ़ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ये जो डिफ्लेक्शन हुए हैं किसके अंदर में नॉर्थ पोल साउथ पोल नेगेटिव पॉजिटिव मतलब मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड के तहत जो भी डिफ्लेक्शन हुआ है उसके तहत हमने किसको फाइंड आउट कर लिया चार्ज टू मास रेशियो को और फाइनली आपका कैलकुलेट हो गया सर चार्ज टू मास रेशियो जो कि कितना आया वन पॉइंट की पावर इलेवन कुलम पर के बात क्लियर हुई तो थॉमसन थॉम्सनसन ने दो डिस्कवरी कर दी एक तो भाई साहब बता दिया कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया नाम ने दिया था मैं था मैंने आपको बताया ठीक है लेकिन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने करी थॉमसन दूसरी डिस्कवरी उन्हें क्या करी चार्ज टू मास रेशियो तो दो डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने कर दी थॉमसन थॉमसनसन ने अब जो अगली डिस्कवरी आएगी जो आएगी चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो रदरफोड नहीं करेगा वो करेंगे हमारे मिलिकन साहब जिनका फेमस एक्सपेरिमेंट है मिलींस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो क्या होता है मैं अब आपको बताने वाला हूं ठीक है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये नोट डाउन करना बहुत जरूरी है फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी में और मिलिकन साहब के एक्सपेरिमेंट को उड़ाते हैं तेजी में चलिए आइए चले तो हो गया ये खत्म होता है हमारा चार्ज टू मास रेशियो जिसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था थॉमसन, जे जे थौंसन और इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है थॉम्सन एक्सपेरिमेंट अब आती है सर बात सर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो हो गया लेकिन अब बारी है इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फाइंड आउट करने की कि एक एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे पे कितना कितना चार्ज चार्ज होता है एक पे कितना चार्ज पाया जाएगा उसको निकालने की जिम्मेदारी रखी गई मिलिकन सर के ऊपर और मिलिकन सर ने एक बनाया एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं मिली ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जिसका सिर्फ एक ही मकसद है आपको फाइंड आउट करना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या फाइंड आउट करता है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा वो ये एक्सपेरिमेंट आपको निकाल के दिखाएगा जिसको बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था मिलीकंस और पूरा नाम है मिलीकंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट तो देख लें क्या एक्सपेरिमेंट था फटाफट निपटा दें इस एक्सपेरिमेंट को चलिए सर देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट की बात करी थी इनने आ जाओ सर पहले मैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें यूज करी गई क्या क्या चीजें इसमें रखी गई क्या क्या इसमें क्या काम किया गया मैंने कहा ठीक है सर बिल्कुल अब आप समझिए सबसे इंपॉर्टेंट सर पहले अगर आप इसमें देख रहे होंगे तो ये पूरा अरेंजमेंट है इस अरेंजमेंट में एक एटमाइजर लगाया गया क्या लगाया गया सर एटमाइजर अगर आप देखें तो एक एटमाइजर एक बॉटल शेप का है और उस पर ऐसे स्प्रे करने का कुछ दिया हुआ है है ना ये देखिए और जिसका सिर्फ काम है कि ऑयल को अंदर क्या कर देना स्प्रे कर देना लेकिन सर फिर तो इसको बॉटल नाम दे देते एटमाइजर क्यों दिया सर एटमाइजर नाम इसलिए दिया कि इससे जब भी आप अंदर स्प्रे करोगे तो जो इसमें से छोटे छोटे ऑयल के पार्टिकल्स निकलेंगे वो लगभग एटम के साइज के होंगे किसके साइज के होंगे एटम के मतलब बहुत तरीके से बनाया गया होगा इसीलिए इसका नाम क्या रखा है एटमाइजर जैसे आप घर में निकलते फिस 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 मतलब सर सर डिओड्रेंट उसका जो छोटा पार्टिकल होता है वो तो बहुत बड़ा होता है सर, वो एटम से कई गुना है और ये बहुत छोटा होगा इसलिए है। क्या है सर? ये फिर अगर आप ध्यान से देखें तो एक चार्ज मेटल की प्लेट ये लगी है। ये वाली दिख रही है? ये एक चार्ज मेटल की प्लेट है दूसरी चार्ज मेटल की प्लेट ये रही ब्लू कलर की ब्लू कलर की और ये रेड कलर की दिख रहे और इस पर एक छोटा सा वो जगह छोड़ दी गई है या टुकड़ा लगा दिया गया है जिससे ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं इनको किससे टर्मिनल को आप देखो तो बड़ी प्लेट से कनेक्टेड है तो ऊपर वाला टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव और नीचे वाला टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है। फिर क्या किया सर? और कुछ बता दो तो मैंने कहा सर यहां पर एक लाइट सोर्स भी है देखो ये लाइट सोर्स इस लाइट सोर्स का काम है कि ऑयल ड्रॉपलेट्स को उजाले में दिखाया जा सके ठीक है तो ये लाइट सोर्स अंदर इसीलिए दिया गया कि अंदर उजाला रखा है फिर साथ ही साथ एक माइक्रोस्कोप लिया गया है माइक्रोस्कोप का, का काम है जो यहां पर ऑयल के एटम्स हैं उनको बढ़िया लेवल पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जा सके और वो देखा कब जाएगा जब वहां पर उजाला होगा इसलिए उजाला के लिए आपने निर्मा नहीं लिया आपने क्या लिया हुआ है भैया लाइट ली हुई है ठीक है और आता था ना उजाला सबकी पसंद निर्मा वो वाला नहीं ठीक है तो अपन ने यहां पर क्या ले लिया सर सोर्स ले लिया जिससे अपन ऑयल ड्रॉपलेट्स को देख सके और फिर कैसे देखेंगे माइक्रोस्कोपिक से क्योंकि तो ये नॉर्मल ऑयल ड्रॉपलेट्स नहीं है ये ऑयल ड्रॉपलेट्स किस साइज के हैं एटम के साइज के किसके साइज के हैं एटम के, है? के साइज के तो इसको अपन को बस आगे की तरफ देखना है कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है बड़े अपन आगे ठीक है अब अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात और इंपॉर्टेंट बात सर इसमें एक चीज मेंशन नहीं है एक और होता है एक्सरे सोर्स अब चाहे उसको यहां मेंशन कर दे या मैंशन कर दे चलो यही कर देते यहां पर एक ऐसा रहता है इसको अपन बोलते हैं एक्सरे सोर्स क्या बोलते हैं एक्सरे सोर्स जिसका काम होता है इसमें से एक्सरेज निकलती हैं क्या निकलती हैं सर एक्सरेज और अगर आप बात करें तो सर एक्सरेस हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन होती हैं बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उनके अंदर और जिसका से ही काम टकराएगा वो उन ऑयल ड्रॉपलेट्स पे इलेक्ट्रॉन को चिपका देगा क्या कर देगा उन इलेक्ट्रॉन को उस ऑयल ड्रॉपलेट पे चिपका देगा एक और बात सुनिएगा इस एक्सरेस का काम है इससे एक्सरेस रेडिएशन निकलेंगी और किसके अंदर जाएंगे एक्सपेरिमेंट के अंदर और जो जाके मिलेंगी किससे ऑयल से और ऑयल के ऊपर चिपका देंगे किसको इलेक्ट्रॉन को तो अब वो जो ऑयल ड्रॉपलेट है उसमें दो चीज हो गई ऑयल ड्रॉपलेट तो था ही था अब उस पर आ गए इलेक्ट्रॉन तो ये जो दिख रहे हैं ये देखिए ये वाले ऑयल ड्रॉपलेट इनमें ऑयल के साथ साथ क्या है इलेक्ट्रॉन्स भी चिपके हुए हैं क्या चिपके हुए इलेक्ट्रॉन यहां वाले पे नहीं है यहां वाला सिर्फ ऑयल था ये वाला सिर्फ और सिर्फ ऑयल ड्रॉपलेट्स है लेकिन ये वाले जो है यह तो ऑयल ड्रॉपलेट है ही साथ ही साथ अगर आप बोले तो इन पे कौन चिपक चुके हैं सर इलेक्ट्रॉन्स भी चिपक चुके हैं कौन चिपक चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स अब आपका एक्सपेरिमेंट तैयार है <clears throat> अब इसमें लगेंगे फिजिक्स के फंडे सर दो फंडे तो मैं आपको बता ही देता हूं सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ आ रहे हैं अंडर द एक्टिविटी ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी एक फोर्स एक्ट करती है जिसके तहत नीचे आ रहे हैं लेकिन ड्यू टू विस्कस फोर्स है ना ऑयल के पास विस्कोसिटी होती है और दूसरी बात बाइंड फोर्स भी होता है जो उसको ऊपर की तरफ ले जाने का काम करता है अब ग्रेविटी नीचे ले जा रही है बाइंड और विस्कस फोर्स ऊपर ले जा रही है और दोनों के दोनों फोर्सेस बराबर हो गए अगर बराबर हो गए तो भैया वो ऑयल ड्रॉपलेट जो इलेक्ट्रॉन के साथ है इलेक्ट्रॉन जो उस चिपका हुआ है वो आ जाएगा में किस में किसमें जाएगा में. तो अब वो अटका रहेगा ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है तो देखिए अटक गए अब यहां पर फिजिक्स के कई और पैरामीटर्स को लगाया गया और फाइंड आउट किया गया इसके चार्ज को किसको फाइंड आउट किया गया इसके चार्ज को मतलब उस ऑयल ड्रॉपलेट पे क्या चार्ज होगा और वो चार्ज पता है क्या लेके आए देखिए जरा सारे फिजिक्स के फंडे लगाए और फिर उन्होंने कैलकुलेट किया कि एक ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज कितना होगा चार्ज ऑन चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट किसके ऊपर सर ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज कितना होगा सर कैसे आया सर फिजिक्स से आया अब वो आपको नहीं है कैलकुलेशंस की कैसे लाना बस क्या आया वो देखिएगा चार्ज ऑन फिजिक्स सॉरी मैं कह रहा हूं चार्ज ऑन फिजिक्स ड्रॉपलेट नहीं सर चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट जो ऑयल के ड्रॉपलेट पे इलेक्ट्रॉन चिपके थे उसका चार्ज क्या होगा तो इनने ये बताया मिलिकन साहब ने ये बोला सर वो इतना होगा मैंने कहा कितना होगा उनने कहा इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ फिक्स वैल्यू मैंने कहा यार सर ये तो आप भी हमारे साथ गेम खेल रहे हो तो मिलिकन साहब बोले क्यों मैंने कहा सर आप तो कंफ्यूज ही कर रहे हो आपने एक तरीके से कंफ्यूजिव सेंटेंस ही दिया कि इंट्रिकल मल्टीपल ऑफ फिक्स वैल्यू तो उन्होंने कहा सर मैं आगे दे रहा हूं ना मैंने कहा बताओ तो उन्होंने कहा पहले तो मैं आपको फिक्स वैल्यू बता देता हूं मैंने कहा बताइए फिक्स वैल्यू कितनी है तो बोला ये जो फिक्स वैल्यू होगी ये होगी वन पॉइंट की पावर माइनस कूलम इंटू ये उस ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज होगा अब सर इंट्रीगल मल्टीपल क्या है इंट्रीगल मल्टीपल कुछ भी हो सकता है जैसे कि आपका वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन मतलब हो सकता है किसी एक ड्रॉपलेट पे किसी एक ड्रॉपलेट पे इतना चार्ज हो इतना बोले तो मतलब टू टाइम्स ऑफ 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू की पावर माइनस नाइनटीन कूलम। हो सकता है किसी और ड्रॉपलेट पे 4 इंटू वन पॉइंट सिक्स की पार माइनस नाइनटीन कूलम हो मतलब हर ड्रॉपलेट पे चार्ज क्या कर सकता है वेरी कर सकता है मतलब वो जो भी होगा इंट्रीगल मल्टीपल पे होगा मतलब इस फिक्स वैल्यू का दुगना हो सकता है इस फिक्स वैल्यू का तीन गुना हो सकता है इस फिक्स वैल्यू का चार गुना हो सकता है इस फिक्स वैल्यू का पांच गुना हो सकता है मैंने कहा ठीक है सर बात में तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मिनिमम कितना हो सकता है होने का, सर, वो मिनिमम भी इस एन पे डिपेंड करेगा इस एन का इंटीग्रल मल्टीपल मिनिमम कितना होगा मैंने कहा वो तो दिख ही रहा है. कितना होगा वन होगा मतलब जो एक ऑयल ड्रॉपलेट पे मिनिमम चार्ज जो होगा वो कितना होने वाला है सर वन इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन कूलम कितना होगा माइनस नाइनटीन कूलम और इसको अच्छे से लिखें तो यह हो जाएगा 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू की पावर माइनस नाइनटीन कूलम और इसी को अपन नाम देंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे कम चार्ज किसी भी ऑयल ड्रॉपलेट पे कितना होगा 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू की पावर माइनस नाइनटीन कूलम एंड दैट चार्ज इज ऑल्सो नोन एज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा सर 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन कूलम जहां तक रदरफोर्ड ने यह भी बता दिया था कि सर इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज दैट्स वाई उसका चार्ज भी ऐसे बताया जाएगा माइनस साइन के साथ दैट मींस चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन कूलम बात समझ गए तो इस मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने हमारा चार्ज को कैलकुलेट करवा दिया बात समझ गए हमेशा इंट्रीगल मल्टीपल ही होगा मतलब एक ड्रॉपलेट पे या तो चार इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा हो या एक ड्रॉपलेट पे छह इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा हो या तो एक ऑयल ड्रॉपलेट पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा या तो एक ऑयल ड्रॉपलेट पे पांच इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कभी ढाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया कभी दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज चल जाएगा लेकिन टू पॉइंट थ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं चलेगा बात समझ पा रहे हो क्योंकि भैया मैं आपको दो इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं लेकिन टू पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता यहां नहीं चलता वो सवा आधा पौना नौना यह सब नहीं चलता यहां पर यहां चलेगा तो पूरा नहीं तो नहीं एक मतलब एक डेढ़ नहीं दो मतलब दो ढाई नहीं तीन मतलब तीन साढ़े तीन नहीं चार मतलब चार पौने तीन नहीं सवा चार नहीं पौने चार नहीं ये सब नहीं होगा सर इंट्रीगल मल्टीपल में मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसा चलेगा ठीक है और यहां से फाइंड आउट हो गया चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इतनी बात क्लियर है पहले इतना नोट डाउन करो फिर आगे और बताता हूं मजेदार बात है जल्दी नोट डाउन करो इतना चलिए तो नोट डाउन हो गया कोई दिक्कत की बात तो नहीं तो ये आ गया अपना चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है सर माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन कूलम और उसको निकालने वाले साहब मिलिकंस एक्सपेरिमेंट मिलिकंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इतनी बात क्लियर है सबको पक्का चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ये देखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने निकाला था सर मिलिकन साहब ने रॉबर्ट ए मिलिकन ऑब्जर्व दैट आर ड्रॉपलेट एक्वायर्स एन इलेक्ट्रिकली चार्ज इन द इंट्रीगल मल्टीपल्स ऑफ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू जो भी ऑयल के ड्रॉपलेट्स थे उन पे कितना चार्ज होगा इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ कॉन्स्टेंट वैल्यू जो मैंने अभी आपको बताया था एन इन टू फिक्स वैल्यू और फिक्स वैल्यू कितनी थी याद करिए अभी बताया था वन पॉइंट सिक्स इंटू की पावर माइनस नाइनटीन कूलम और एन क्या था अपना इंट्रीगल मल्टीपल क्या था सर इंट्रीगल मल्टीपल ठीक है आगे देखते हैं वैल्यू ऑफ चार्ज फिक्स हो गया है, सर वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन कूलम और यह अभी तक सही है और आगे भी सही रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जो सबसे छोटा नेगेटिव स्पीशीज है हमारे पास उसका चार्ज कितना हो गया 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम cool. क्लियर है बात पक्का आ गया वो फिर उन्हें लिखा टोटल चार्ज जो क्या होगा क्यू तो जो Q हो वो जो हो क्यू होगा वो होगा हमेशा क्यू इक्वल्स टू एनी क्या होगा सर क्यू इक्वल्स टू एनी अच्छा सर अब ये एन क्या है तो एन कुछ नहीं है सर एन मतलब होता है इंटीजर्स जो इसका नाम दिया था इंट्रीगल मल्टीपल जो वन हो सकता है टू हो सकता है थ्री हो सकता है फोर हो सकता है एंड सो ऑन बस हमेशा होल नंबर डेढ़ नहीं चलेगा ढाई नहीं चलेगा क्योंकि सर मेरे पास ढाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता मेरे पास साढ़े तीन इलेक्ट्रॉन नहीं होता मेरे पास साढ़े पांच नहीं होता अगर आप बोलो सर बताओ चार्ज ऑफ टू पॉइंट थ्री इलेक्ट्रॉन कितना होगा सर कैसे बता दू टू पॉइंट थ्री इलेक्ट्रॉन लाओ तो पहले जब ले आओगे तो मैं निकाल के दे दूंगा लेकिन जब तक नहीं लाए दैट मीन नहीं लाए याद रखना इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग भी पूरी ली जाती है मैंने कभी आपसे बोला डेढ़ बंदे ले आओ है ना ढाई लोग ले आओ मतलब दो लोग ले आओ और एक आधा लोग ले आओ बोला क्या नहीं बोला ना हमेशा होल नंबर में आधा वाधा पोना नौना कुछ नहीं चलेगा ठीक है तो ये जो एन है दैट मींस इंटीजर्स इंट्रीगल मल्टीपल जो हमेशा पूरा होता है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह वही वाली बात है ठीक है वहां पर अपना होल नंबर नहीं होता और ई e क्या है सर ई e का मतलब है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या है सर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो कितना आया था अभी अपना अभी आया था वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन कूलम कितना आया था वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन कूलम तो किसी भी सब्सटेंस पे अगर आपको चार्ज निकालना है दैट इज क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन या इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हो सकता है एक सब्सटेंस है मेरे हाथ में ये दिख रहा है आपको है ना इस पे मान लीजिए दस इलेक्ट्रॉन है तो इस पे चार्ज कितना होगा टेन इंटू फिक्स वैल्यू फिक्स वैल्यू इज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन मेरी बॉडी यहां पे यहां पर मान लीजिए अगर कहते हैं पंद्रह इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज हो गया पंद्रह इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की बॉडी तो भी, भी पे आपको चार्ज निकालना है दैट आप कर दीजिए Q इज द इंटीजर्स इंटीग्रल मल्टीपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं एंड E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो निकालने वाले साइंटिस्ट थे मिलिकन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इन्हें निकाला था कोई दिक्कत यहां तक ठीक है एक काम करो ये लिख लो ये जो लिखा है ना क्योंकि मैं हटाऊंगा क्योंकि फिर वो नहीं तो पूरा मैशअप हो जाएगा एक बार इसको लिख लो जल्दी लिखो लिख लिया चलो क्लियर कर रहा हूं <coughs> चलिए लास्ट पॉइंट पे जाते हैं सर सर क्या बोल रहा है द द रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ये कहां से आ गया अभी तक तो आपने बताया था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस कूलम सर तो ध्यान से देखिए इसमें क्या बोला है रिलेटिव चार्ज रिलेटिव चार्ज मतलब किसी के रिलेशन में निकाला है किसी से कंपेयर किया है और सर ये चार्ज कंपेयर किया है एक ही व्यक्ति से जिसका नाम है प्रोटॉन प्रोटॉन जो स्पीशीज हैं वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं और दोनों पे चार्ज कैसा होता है सर बराबर होता है चार्ज कैसा होता है बराबर होता है इसीलिए जब दोनों पे चार्ज बराबर है बस कैसे आप डिफ्रेंशियट करोगे इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज चार्ज इसीलिए इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज बता दिया पॉजिटिव और आगे चल के ये पता चलेगा जब का अपन रिलेटिवली चार्ज निकालेंगे तो वो कितना आएगा प्लस वन बात समझ गए रिलेटिवली जब कंपेयर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम कितना बोल रहे हैं माइनस वन किसके कंपेयर में प्रोटॉन के कंपेयर में नहीं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है सर वन टू टेन की पावर माइनस नाइनटीन कूलर बात समझ में आई कोई दिक्कत तो नहीं पक्का लास्ट लाइन जो है वो रिलेटिव प्रोटोन से, से इसीलिए इंपॉर्टेंट है और यह यहां पर खत्म होता है मिलीक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पक्का फटाफट फड़ यह सारे नोट डाउन करेंगे सट से आता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है चलिए नोट डाउन हो गया ठीक है तो ये था किसका सर का अपन को बता दिया सर, सर 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 इलेक्ट्रॉन का चार्ज अब अब क्या बात बात करनी करनी है है ये कि अगर आप ध्यान से देखो तो भैया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया डिस्कवरी ऑफ चार्ज टू मास रेशियो तो भी हो गया और डिस्कवरी ऑफ चार्ज भी हो गया अब बचा डिस्कवरी ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो भैया सबसे बढ़िया काम किया किसने थॉमसन थॉमसन फिर आ गया देखा गया नहीं शेर फिर आ गया इनने कहा सर चार्ज और मास का रेशियो मैंने निकाल लिया किसने निकाल लिया था थॉमसन ने कितना आया था जल्दी फटा करो फटाफट बताओ जल्दी कितना आया था भैया सर बहुत इजी आया था 1.75 और इन टू टेन की पावर 11 सर चार्ज की यूनिट होती है कूलम और मास की होती है केजी तो यह बताया था किसने सर थॉमसन ने थॉमसन ने यह निकाल दिया था चार्ज टू मास रेशियो ठीक है सर लेकिन सर अभी मिलिकन साहब ने भी बहुत बढ़िया काम किया अकॉर्डिंग टू मिलिकन है ना अकॉर्डिंग टू मिलिकन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर सर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना आया था सर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है सर 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू की पावर या या कूलम नहीं आया तो सर थॉमसन साहब ने यह सोचा कि यार मैंने तो चार्ज टू मास रेशियो निकाल दिया और मिलिकन भाई ने मेरे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाल दिया क्यों ना मैं इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को यहां पटक दू तो मास आ सकता है क्या नहीं आ सकता बस यही तरकीब लगाई और यह तरकीब में भाई का काम बन गया कैसे बन गया देखो जरा चार्ज बाय मास ये रेशियो निकाला कितना आया था ये रेशियो 1.75 पॉइंट सेवन की पावर 11 यही था अब चार्ज की वैल्यू रख दो जैसे ही आप चार्ज की वैल्यू रखोगे तो वन पॉइंट नाइनटी यही होगा ठीक है अपॉन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या वैल्यू है 1.75 की पावर 11 दिख रहा है अब मास को उधर ले जाइए तो मास को ही आप उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है सर मास उधर जाएगा तो ये नीचे जाएगा तो मतलब 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू की पावर माइनस नाइनटीन कूलम डिवाइडेड बाई 1.75 पॉइंट सेवन फाइव की पावर 11, यही होगा क्या नहीं होगा पक्की बात अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे जब आप इसको क्या करेंगे सर सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बाद आप देखिए इस इलेवन को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस इलेवन हो जाएगा माइनस इलेवन माइनस नाइनटीन माइनस थर्टी हो जाएगा कितना हो जाएगा सर माइनस थर्टी और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा पॉइंट नाइन वन कितना आएगा सर पॉइंट नाइन वन फिर उसको वन डेसिमल में लेके आओगे तो एक पावर और बढ़ जाएगी तो भैया फाइनली आंसर जो आएगा वो आएगा नाइन पॉइंट वन इंटू टेन की पावर माइनस थर्टी वन के जी कितना आएगा सर 9.1 पॉइंट वन इंटू की पावर माइनस थर्टी वन के जी और यह था सर मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या था सर ये मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और निकालने वाले साइंटिस्ट थे थॉमसन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना आया सर 9.1 पॉइंट वन की पावर माइनस थर्टी वन के जी क्या दिक्कत थी सर सर बहुत छोटा मास आया है टेन की पावर माइनस थर्टी वन समझ रहे हैं आप मतलब पॉइंट के बाद जीरो, 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 कितने जीरो आएंगे थर्टी वन फिर जाके आपका आएगा नाइन वन और फिर के जी लगाए मतलब आप समझ रहे हैं कितना छोटा मास है सर इसको मानेंगे नहीं तो भी चल जाएगा इसीलिए कभी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं किया जाता एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन का मास कभी कंसिडर नहीं होता क्योंकि सर इतना छोटा है ना कि क्या ही बोलू बोलने की बात नहीं बनी और फिर भी पढ़ा रहे हैं हमको पावर माइनस थर्टी वन के जी नेग्लेक्ट नहीं कर दिया ये नहीं बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन का मास ही नहीं है निकाला है कितना निकाला है नाइन पॉइंट वन इंटू टेन की पावर माइनस थर्टी वन के जी तो सर देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ आ गया इलेक्ट्रॉन मिल गया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई कौन ने करी थॉमसन किसने करी थॉमसन नाम किसने प्रपोज किया स्टॉनले नाम किसने प्रपोज किया सर थॉमसन ने दूसरा क्या करा चार्ज टू मास किसने बताया थॉमसन लेकिन चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन किसने बताया मिलिकंस ने कौन से एक्सपेरिमेंट में मिलिकंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने बताया फिर से थॉमसन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने बताया फिर से थॉमसन तो थॉमसन ने सब कुछ किया इलेक्ट्रॉन के बारे में बस दो चीजें छोड़ के नाम इलेक्ट्रॉन किसने दिया सर स्टॉन और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन किसने निकाला ने बाकी इलेक्ट्रॉन पूरा थॉमसन भाई की जेम का है बस दो चीजों को हटा दू एक नाम और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतनी बात क्लियर हुई तो ये था इसके अंदर पूरे दो एक्सपेरिमेंट जिसमें अपन ने देखा थॉमसन का एक्सपेरिमेंट जिसमें अपन को पता चला इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो दूसरी बात मिलिकंस का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जहां से पता चला चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और दोनों की मदद से पता चला मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इतनी बात क्लियर है फटाफट इसको नोट डाउन करिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद बस आते हैं 1 मिनट की और बात बची है ठीक है हो गया स्क्रीनशॉट <coughs> पक्की बात है कोई दिक्कत तो नहीं तो एक बार और वैल्यूज बता रहा हूं चार्ज बाय मास रेशियो 1.75 पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन की पावर इलेवन कूलम्स पर केजी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन नाइन पॉइंट वन इंटू टेन की पावर माइनस थर्टी वन के जी ये सारे वैल्यूज आपको पता होने चाहिए स्क्रीनशॉट ले लिया ना बस तीन लाइन खींचनी थी फटाक से स्क्रीनशॉट हो जाता कोई दिक्कत की बात नहीं थी तो सर ये इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी चीज आपको बता दी सब कुछ हो गया है, समाप्त इलेक्ट्रॉन को आप पुड़िया में बांध के साइड में रख दो अब बारी है अगले जो भी पार्टिकल्स निकले थे जब हमने एटम को तोड़ा था फोड़ा था फोड़ा मरोड़ा था फिर जोड़ा था तो अब बात करेंगे अगले लेक्चर्स में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तो मेरे हिसाब से मजा आया होगा इस वाले एक्सपेरिमेंट्स में जिसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट और अगर फिर भी कोई दिक्कत है सर तो मुझे बताइए किसके अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर, अंदर. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह तो तीनों वैल्यूज पता होनी चाहिए किसने क्या निकाला ये पता होना चाहिए और Millikans ने कैसे कैसे निकाला था वो पता होना चाहिए और जो थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था कि वो डेविएशन हुआ था यह हुआ था कौन सी वाली प्लेट पे लाए थे पे हुआ था बस ये इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें किसी भी एग्जाम या या फिर J, या फिर नीट ये वैल्यूज बार बार आती है आपके पास तो वैल्यूज पता होना बहुत जरूरी है और मेरे हिसाब से मजा आया होगा पूरा लेक्चर समझ में आया होगा कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी और अगर दिक्कत है और अगर समझ में भी आ गया तो भी बताइए किसमें कमेंट सेक्शन में और आज प्रेजेंट लगाई थी कि नहीं लगाई थी पक्का ना लगा दी थी ना ठीक है देखता हूं फिर मैं चलिए तो सारी चीज क्लियर है तो फिर बढ़ते हैं सेशन खत्म मजेदार सेशन जो था सेशन जो था गल्दा उड़ाने वाला उड़ा दिया, ठीक है? तो अब मिलेंगे अगले एक लेक्चर में, जो और होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत कुछ विशाल कार्य देखने वाले हैं उसमें अपन, बहुत मजेदार होने वाला है ठीक है तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट बेस के साथ जहां से आपको प्रोवाइड होती है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री सारे लेक्चर्स आपको YouTube पे मिल ही जाते हैं एक के बाद एक अगर आप चाहें तो पूरे लेक्चर्स पूरा लुफ्ट फिर से उठा सकते हैं मैग्नेट बेस की वेबसाइट पे जाके भी वहां पे प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको सब कुछ मिलेगा एड्स भी नहीं मिलने वाले ठीक है तो वहां से भी आप सारी चीज एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं वहां से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली दूसरी चीज अगर आप देखें तो यह दिख रहे हैं आपको टॉपर्स सारे के सारे टॉपर्स हैं मैग्नेट बेन्स के साथ ही साथ मैग्नेट बेन्स टॉप कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल कर रहा है जिसमें मैग्नेट बेन्स के दो चैनल हैं इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई जो मिलता हूं मैं आपके साथ क्लास इलेवेंथ केमिस्ट्री रेगुलरली आठ बजे ठीक है स्पोकन इंग्लिश सीयूटी एन टी एस ओलंपियाड जैसे भी है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो वहां पे भी सीबीएसई है सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ आपके लिए यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड एमपी बोर्ड जैसे कोर्सेज भी प्रोवाइड करवा रहा है मैग्नेट ब्रेन मैगनेट और सिर्फ आपके लिए सब में क्वालिटी एजुकेशन है वो भी बिल्कुल फ्री तो बस बने रहिए सर जुड़े रहिए कमर कस के रखिए अगला लेक्चर फिर से मिल रहा हूं मैं कल आपके पास आठ बजे और वो भी बढ़िया होने वाला है नोट्स बनाते चलिए कोई भी दिक्कत आए डालते चलिए सर ये सारे नोट्स इंपॉर्टेंट है जो भी मैं आपको क्लास में प्रोवाइड कराता हूं ठीक है तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू सो मच